हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आई एम हेमा जैन। हम इंग्लिश की सीरीज देख रहे हैं, इंग्लिश पोएम्स देख रहे हैं। आज से हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पोएम्स देखने जा रहे हैं। आज हम पहली पोएम देखेंगे जिसका नाम है चेरी ट्री और जो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में 1934 को हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश राइटिंग के लिए मिला हुआ है। पद्मश्री 1999 में मिला है। और यह पोयम रस्किन बॉन्ड के द्वारा लगाया हुआ चेरी ट्री तथा वह पेड़ कैसे बढ़ा और उन्हें कैसे उसे देखकर कैसे परमानंद की अनुभूति होती थी, इस पर आधारित है। पोयम का नाम ही है द चेरी ट्री। देन लेट स्टार्ट द पोयम। फर्स्ट स्टांजा। 8 years हैव पास्ड since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and water it once and went to bed, and forgot. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. अब ये पहला स्टांजा है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि 8 साल बीत गए हैं। 8 years have passed. 8 साल हो गए हैं। मैंने घास में एक चेरी का बीज डाला था, रखा था। मैंने कहा था कि मुझे एक चेरी का पेड़ चाहिए। मैंने तब जमीन को पानी दिया था जहाँ मैंने वह बीज डाला था, और बाद में इसके बारे में मैं भूल गया। मतलब पोएट ने बस एक ही बार पानी दिया, वापस पानी देना पोएट भूल गए। लेकिन आगे पोएट कहते हैं, चेरी के बढ़ने का एक तरीका होता है। चेरी को हालांकि किसी के बहुत देखभाल या जानने की ज़रूरत नहीं है, वह पेड़ अपना ही बढ़ता है। मतलब पोएट ने पानी नहीं दिया है पर फिर भी चेरी का पेड़ बढ़ता जा रहा है। अब उसमें भी एक मौसम बीत गया है। आगे दूसरे स्टांजा में पोएट क्या कहते हैं वो देखते हैं। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। It was very small, 5 months child, lost in the tall grass, running wild. Goats ate the leaves and the grass cutter scythe, split it apart and a monsoon blight. Scythe यानी काट देना, split यानी खराब होना। अब क्या होता है उस पौधे के साथ जो बीज है। पहले स्टांजा में जो पोएट ने बताया है कि मैंने उसे बीज डाला था वहां पर, उसके साथ क्या होता है ये सेकंड स्टांजा में बता रहे हैं। उस साल गर्मी के अंत में यानी एंड ऑफ मे, कवि ने गौर किया जहां उन्होंने बीज रखा था वहां छोटा चेरी का एक पौधा आया था। वह बहुत छोटा था, 5 महीने का बच्चा। मतलब पौधा कितने महीने का था, 5 महीने का। 5 महीने का बच्चा लंबे घनी घास के बीच बढ़ रहा है। अब उस 5 महीने के बच्चे के साथ यानी उस पौधे के साथ क्या होता है वह कवि आगे बताते हैं। वहां चरने वाली बकरियों ने इसके पत्ते खा लिए। घास काटने वाले व्यक्ति ने इसे तेज धार वाले ब्लेड से काट दिया और मानसून में एक बीमारी छोटे चेरी के पौधे को लग गई। अब 5 महीने का ही चेरी का पौधा है और उसको कुछ पत्ते बकरियों ने खा लिए, घास काटने वाले ने कुछ पत्ते काट दिए तथा उसको एक बीमारी भी हो गई, उस पेड़ को एक बीमारी लग गई। अब आगे क्या होता है तीसरे स्टांजे में पोएम बता रहे हैं। श्रीवल द स्लेंडर स्टेम इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच थ्री न्यू शूट्स ग्रो द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। अब पोएट क्या बता रहे हैं, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन। श्रीवल्ड यानी पतला तना, ये नए वर्ड है। शूट्स यानी अंकुर, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। अब कवि क्या कहते हैं तीसरे स्टांजा में। हमने पिछले स्टांजा में तो देख लिया था कि उस चेरी के पौधे को बीमारी लग गई। कवि कहते हैं, तीसरा स्टांजा चल रहा है, पतला तना बिखरा हुआ है वह पौधा फिर भी। अगले वसंत में कवि ने देखा कि पौधा इतना सब कुछ होने के बाद भी न केवल जीवित था बल्कि उसके 3 अंकुर आए हुए थे। देखिए
उस पौधे के साथ क्या क्या बीत रहा है, पर फिर भी वो पौधा क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। और उसके 3 अंकुर आए थे, वह पौधा उत्सुकता से सूरज की रोशनी तथा हवा की ओर यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा था। वह किसी तरह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। जो तीसरा स्टांजा है, अब कवि वहां पर बता रहे हैं कि पोएट क्या कर रहा है, पोएट बता रहे हैं कि वह जो पौधा है वह क्या कर रहा है, संघर्ष करते हुए जी रहा है। अब चौथा स्टांजा, आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच वॉन्डरिंग वाइल टाइम एंड द रेन मेक अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर came back thinner rather poor but richer by a cherry tree at my door। अब कवि चौथे स्टांजे में क्या कह रहे हैं वो देखिए। मैं केवल इंतजार कर सकता था, किसने देखा है किसे भटकते हुए, जबकि समय और बारिश ने हर दर्द में एक चमत्कार किया। हरे दर्द में देखिए कवि कहते हैं मैं अगले साल चला गया। कहाँ चले गए हैं कवि? कश्मीर। वहाँ उन्होंने एक मौसम बिताया यानी 4 से 5 महीने। फिर वहाँ से वह वापस आ गए। कवि कहते हैं कि मैं थका हारा गरीब बनकर लौटा था, परंतु अपने घर के मेरे दरवाजे पर यानी कवि के दरवाजे पर एक समृद्ध चेरी का पेड़ आया हुआ था। कवि गरीब हो चुके थे लेकिन वह पेड़ समृद्ध हो चुका था, वह पेड़ बहुत बढ़ गया था। यह चौथे स्टांजे में कवि बता रहे हैं। आगे देखिए, ripen and dwell in the sun, hang from a branch just one, and next year there were blossoms small, pink, fragile, quick to fall, at the barest breath, the sleepiest breeze। अब चेरी का जो पौधा है वह पौधा नहीं रहा है, वह 6 फीट लंबा पेड़ बन चुका है। यही 5वें स्टांजे में बता रहे हैं कवि। चेरी का पौधा 6 फीट लंबा पेड़ बना था। आगे कवि उस पेड़ को देखकर कहते हैं कि मुझे अपने खुद के चेरी के पेड़ पर इतना गर्व महसूस हुआ, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वास्तव में एक पका हुआ लाल चेरी जो एक शाखा से लटका हुआ था वह क्या है, गिरने को है, वह पका हुआ है, इतना बड़ा वह पेड़ बन चुका है। अगले साल पेड़ ने नाजुक गुलाबी चेरी के फूल उगाए हैं। वे फूल भी इतने सुंदर है, इतने मुलायम है और नाजुक है कि वे हल्की सांस या हवा से गिर सकते थे। यह भाव इस 5वें स्टांजा में कवि ने बताए हैं। सी द नेक्स्ट स्टांजा, आई ले ऑन द ग्रास एट ईज लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन व्हाइल बीज इन एन एक्सटैसी मतलब परमानंद। अभी देखिए क्या है आगे। अब कवि उस पेड़ की छाव के तले बैठे हुए हैं और कहते हैं मैं आराम से घास पर लेट गया। अब कवि पेड़ के नीचे लेटकर ढलते हुए आकाश को देख रहे हैं। शाखाओं और पत्तियों के बीच पक्षियों और मधुमक्खियों के मीठे फूलों पर मंडराते हुए उन मधुमक्खियों को भी और पक्षियों को भी देख रहे हैं। अब कवि कहाँ पर है? उस पेड़ के नीचे जो घास है वहां पर लेटे हुए हैं। और वहां पर लेटे लेटे वह क्या कर रहे हैं? सारा नजारा देख रहे है। 7th एंड द लास्ट स्टांजा, स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई and moon boats and singing crickets and yes I praise nights and stars and tree that small the cherry grown by me। कवि क्या कह रहे हैं देखिए। अंतिम पंक्तियों में अब कवि बोल रहे हैं, वहां घास पर लेटे लेटे ही मैं सूर्यास्त हो गया, फिर भी कवि खिले हुए फूल तथा उसके रस की अनुभूति कर रहे हैं। तेजी से सूर्य डूब गया है तथा आसमान में अब तारे दिखने लगे हैं। अब रात्रि में कवि के साथ कौन कौन है? चांद है, पतंगे है तथा गाना गाने वाले कीटक है और कवि है। कवि ने वहां पर रात्रि की प्रशंसा की, सितारों की प्रशंसा की और उस चेरी के पेड़ की भी बहुत प्रशंसा की। वह छोटा सा चेरी जो क्या है, कवि के द्वारा उगाया गया है। कवि वहां पर लास्ट लाइन में वही कहते हैं, इट्स ग्रोन बाय मी यानी जो मेरे द्वारा उगाया गया था उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर ही कविता पूर्ण हो जाती है।
कविता के भाव यह है कि खिलने वाला व्यक्ति या जीव हो, वो कहीं से भी खिल जाता है। संघर्षों से वह और मुखर कर बाहर आता है। जैसे वह चेरी का पेड़ है जिसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, जिसे पानी भी नहीं दिया गया था, जिसको क्या किया था बकरियों ने, जिसके पत्ते भी काट लिए थे, घास काटने वालों ने भी पत्ते काट लिए थे, और वहाँ पर बीमारी भी लग गई थी, पर फिर भी वह अपने ही संघर्षों के साथ बढ़ता जा रहा था। और बाद में वह इतना सुंदर वृक्ष बना, इसके कारण, संघर्षों के कारण निखर कर वह बाहर आया। ऐसा ही हर जीव के जीवन में होता है, जैसे जैसे वह संघर्षों को सहन करता है और बाहर निखरता जाता है। आज की पोएम आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।